जिले की आशा वर्कर कर्मचारी शहर के पंडित श्री राम शर्मा पार्क में इकट्ठा होकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के झज्जर निवास स्थान का घेराव करने पहुंची। आपको बता दें कि आशा वर्कर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। आशा वर्कर कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए झज्जर पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के निवास स्थान के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और भारी में पुलिस बल तैनात किया गया। आशा वर्कर कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर और समान काम समान वेतन व अन्य मांगों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के निजी सचिव नरेंद्र जाखड़ को ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम कांता है। जी मैंने हमने ये हमारी यूनियन की तरफ से ज्ञापन दिया है, जो हमारी जो निलंबित मांगे हैं उन जो सरकार ने मानी थी पीछे जो 4,000 रुपये जब हम हड़ताल पे बैठे थे उस दौरान में हमारा जो फिक्स मानदेय था वो सरकार ने बोला था कि हम देंगे, लेकिन अब उसको है ना काट दिया गया है। फाइल सरकार के द्वारा सरकार के पास भी चली गई थी और मुख्यमंत्री के द्वारा पास भी हो गई, लेकिन अब सरकार कह रही है कि पैसे हम आपको नहीं देंगे, जो फिक्स 4,000 रुपये हमारा वेतन था। लेकिन इस बारे में हमने सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारा जो फिक्स मानदेय है वो हमारा हड़ताल के दौरान वो दिया जाए, इसलिए हम फिर से हमने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री तक ये हमारी बात पहुंचाई जाए। धन्यवाद। आशा वर्करों ने आपको आज ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग? जी इसमें आशा वर्करों की कुछ मांग है जिनमें आशा वर्करों के 4,000 रुपये फिक्स पूरे दिए जाने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने, रिटायरमेंट की डेट बढ़ाने आदि काफ़ी मांगे हैं। तो ये ज्ञापन है ना, मैं उचित माध्यम द्वारा सरकार को देखते इसका निर्णय सरकार के स्तर पर। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।